दोस्तों, जो लेंटाना कैमरा है जिसकी कि झाड़ियाँ चारों तरफ मिलती हैं, जो अभी आपको मैं दिखाऊंगा, और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जिस इलाके में मैं चल रहा हूँ, ये जो आप इलाका देख रहे हो, यहाँ पे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आदमी पे अटैक नहीं हो रहा, लेकिन आदमी के जो मवेशी हैं उस पे रेगुलर अटैक हो रहा है। और ये वो रिज है, ये टूटा हुआ जो पहाड़ है, इसके इस साइड वाला जो जंगल है, जहाँ आज से नहीं रह रहा है, काफ़ी पहले से रहता है, क्योंकि ये उसके लिए एक सेफ हेवन है, और ये जंगल है उसी का घर है, उसके रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है लेंटाना में। लेंटाना की वजह से जंगल जो श्रिंक हो रहे हैं, उसकी वजह से उसको जानवर कम मिल रहे हैं, इसलिए वो लोगों के घरों में जाता है और जानवर मारता है, और रोज ही जा रहा है। अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते हो तो आप देखोगे कि रोज आजकल आवाज़ आ रही है बाघ बाघ भगाने की, क्योंकि वो अटैक कर रहा है। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि लेंटाना की प्रॉब्लम गांव वाले कैसे फेस कर रहे हैं और उसका कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है वाइल्ड लाइफ के ऊपर, लेपर्ड के ऊपर, टाइगर के ऊपर, डियर के ऊपर, और उसके बाद इंसान के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि लेंटाना होती क्या है। दोस्तों, जो लेंटाना कमरा, जिसकी वजह से आजकल बहुत सारी बात होती है कि इंडिया के जो फॉरेस्ट का 40% एरिया कवर किया हुआ है लेंटाना कमरा ने। इसको, इसके हिंदी में बहुत सारे नाम हैं, जिसमें इसको घनेरी भी बोलते हैं और शायद रेत मुनिया, ऐसा कुछ नाम है। लोकल लैंग्वेज में कई जगह अलग अलग नाम है। और ये दोस्तों इंडिया में कैसे आई थी? इंडिया में आई थी 1807 में, अंग्रेज लेके आए थे एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट, यानी कि बगीचे में लगाने वाला सुंदर प्लांट, गमलों में लगाने वाला। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अंग्रेज़ों ने जानबूझ के इंडिया में ये प्लांट छोड़ दिया ताकि इंडिया की जंगल तबाह हो जाए, इंडिया की वाइल्ड लाइफ तबाह हो जाए। देखिए दोस्तों, मुझे ऐसा लगता नहीं है। अंग्रेजों को इतनी दूर तक उनकी सोच गई भी नहीं होगी जितना बड़ा ये नुकसान कर रही है आज। और अगर उनको ऐसा नुकसान करना होता तो वो इंडिया में रेलवे भी लाए थे, बड़े बड़े डैम बनाए, बड़े बड़े उन्होंने इरिगेशन सिस्टम बनाए, और वो जो उस टाइम पे बनाए वो आज भी चल रहे हैं। अगर उनको बर्बाद करने का ऐसा कुछ होता मन में, तो वो उसको ऐसा कमज़ोर बनाते कि ख़राब हो जाता है। आज हमारे जो नए कंस्ट्रक्शंस होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उनके नहीं ख़राब होते। एक मैंने अपने एक वीडियो में दिखाई थी, जिम कॉर्बेट का जो गांव है छोटी हल्द्वानी। तो दोस्तों, छोटी हल्द्वानी गांव में जो अंग्रेज़ों ने बोर कैनाल बनाई है, जिससे कि छोटी हल्द्वानी गांव में पानी सप्लाई होता था, उसके ऊपर मैं वॉक करके भी गया। जो पत्थरों की जुड़ाई है सब ऐसी है कि आज तक ख़राब नहीं हुई, ऐसी की ऐसी है जैसी तब बनी थी। तो ऐसा कोई इरादा अंग्रेज़ों का रहा हो ये मुझे समझ में नहीं आता। और वैसे भी 1807 वो टाइम था जब ब्रिटिश हुकूमत थी भी नहीं, तब ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत थी। 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने चार्ज में लिया था। तो जिस टाइम पे अंग्रेज़ यहाँ लाए थे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनको इंडिया छोड़ के जाना पड़ेगा। वो उसे अपनी कॉलोनी के रूप में ही डेवलप कर रहे थे। लाए तो वो अच्छे काम के लिए थे, लेकिन वो बन गया ख़राब काम। अब आपको बताऊं कि यूएसए में फ्लोरिडा में एक टाउन है जिसका नाम है लेंटाना, और वो लेंटाना नाम इस झाड़ी के नाम पर ही पड़ा है। वहाँ डेवलप किया गया, वहाँ पे इसकी नर्सरीज बनाई गई, इसके प्लांट्स बेचे जाते थे। 1 या 2 डॉलर का एक प्लांट बिकता था, लोग खरीदने आते थे। जैसे कि आज नर्सरी में आप जाके गुलाब के किस्में खरीदते हो, बहुत सारे प्लांट्स खरीदते हो, ये बिकता था। और वहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज में, यूएसए में, इसने कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाया। क्यों नहीं पहुँचाया? क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ गिरती है, तो जब बर्फ़ गिरती है तो ये ख़त्म हो जाती है, फिर नए नए सिरे से उगती है, फिर ख़त्म होती है। तो अपने आप ये रेगुलेट होती रहती है। इंडिया का टेम्परेचर ऐसा है कि यहाँ ये ख़त्म ही नहीं होती। एक बार उग गई, उगने के बाद में उसके सीड्स फैलते हैं। सीड्स मैंने अपने कई वीडियो में पहले बताया कि सबसे ज़्यादा इसको फैलाने वाला है भालू।
जानवर की बात करें तो, क्योंकि भालू इसको बहुत ज़्यादा खाता है और फिर अपनी ड्रॉपिंग जहाँ जहाँ छोड़ता है वहाँ पे इसके प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। लेकिन अगर वाइल्ड लाइफ की बात ना करें, वाइल्ड लाइफ में अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स सबसे ज़्यादा फैलाती हैं। बर्ड्स इसमें घोंसला बनाती हैं क्योंकि इतना घना होता है, तो बर्ड्स को बना बनाया एक स्ट्रक्चर मिल जाता है जहाँ कांटे भी हैं, जहाँ घोंसला बनाने के लिए उनको बड़ा आसानी होती है, तो घोंसले बनाते हैं। उस घोंसले में दूसरे जानवर आके उनका घोंसला ख़राब भी नहीं कर पाते क्योंकि उनको कांटे लगते हैं, तो बर्ड्स के लिए तो हेवन है। फिर वो उसको खाती भी हैं, जहाँ जहाँ उड़ के जाती हैं वहाँ पर ड्रॉपिंग छोड़ती हैं, वहाँ पर लेंटाना उग जाता है। बकरी भी इसको बहुत खाती है, लेकिन बकरी खा के बीमार भी बहुत होती है। डियर वगैरह इसको बड़ा अवॉइड करते हैं, डियर मजबूरी में खा लें तो खा लें, गाय वगैरह भी आप देखोगे पालतू मवेशी तो इसको नहीं छुएगी। क्यों नहीं छुएगी? इसमें से क्या होता है कि स्मेल सी आती है, जो कि शायद हमें भी आती है लेकिन जानवरों को बहुत ज़्यादा अच्छे से आती है। तो एक रेपेलेंट, जैसे मॉस्किटो रेपेलेंट नहीं होता कि मच्छर नहीं आते उसके पास, तो ये भी एक रेपेलेंट सी इसमें से एक स्मेल आती है जिसको देख के जानवर इसको खाना पसंद नहीं करते सूंघ के। बकरी खाती है, बकरी बड़े शौक से खाती है, और बहुत सारे जो मवेशी पालने वाले हैं उनको मालूम भी नहीं है कि इसको खिलाने से कितने नुकसान है, तो वो खिलाते हैं कि यार चलो बकरी खा रही है। मैंने देखा है यहीं पे सड़क के किनारे, और अभी भी मैं आपको लेके चल रहा हूँ जहाँ लोग बकरी चरा रहे हैं, उनसे भी आपको मिलवाता हूँ। तो बकरी खा के बीमार होती है, बहुत सारी उसको एलर्जी होती है, और फिर वेटनरी डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये लेंटाना बहुत बड़ा अभिशाप है। इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे इसका उन्मूलन किया जाए? एक अभी मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे किसी ने भेजा था मैसेज, उन्होंने एक वीडियो भेजा जिसमें कि लेंटाना को क्या करते हैं कि उबाल के जब नरम हो जाता है तो हाथी या इस तरह के घोड़े, इस तरह के हैंडीक्राफ्ट के आइटम वो बना रहे हैं लोग, बड़े अच्छे बन रहे हैं क्योंकि उसमें कांटे वाटे सब उबालने के बाद में ख़त्म हो जाते हैं, बड़ा सुंदर सा बनता है। ये मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर, क्योंकि देखिए लेंटाना को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, अगर आप एक स्क्वायर किलोमीटर लेंटाना गवर्नमेंट ख़त्म करेगी तो करीब करीब खर्चा आता है 8 लाख रुपए, और इंडिया के जंगलों में 40% लेंटाना है, तो आप समझ लीजिए कि अगर गवर्नमेंट इसको ख़त्म करेगी तो अरबों रुपए चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए, शायद उतना बजट भी नहीं होगा वाइल्ड लाइफ के लिए। बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर इस तरीके से, एक मेरे दिमाग में सोल्यूशन आया, क्या पता ये बात अथॉरिटीज़ तक पहुँचे और क्या पता ये बात सही हो, कि जो लोकल गांव वाले हैं जो जंगलों के पास में रह रहे हैं, जहाँ मैं खड़ा हूँ ये भी जंगल है, यहाँ पे भी अभी आपको मिलवाने जा रहा हूँ, गांव वाले हैं। गांव वालों का रोज़गार क्या है? पशुधन है, अपने जानवर पालते हैं, जानवर चरते हैं, जैसे बकरी पाली, जब उनको पैसे की ज़रूरत हुई उन्होंने एक बकरी बेच दी, दो बेच दी। यहाँ पे इस इलाके में बकरी पालते हैं, खाते हैं तो इसलिए वो दूध नहीं पीते। बाकी जगह दिल्ली वगैरह में तो आपको मालूम है कि जब डेंगे फैलता है तो बकरी का दूध क्या भाव बिकता है, तो यहाँ पे बकरी का दूध बहुत कम लोग पीते हैं या गाय का दूध पीते हैं। तो यहाँ का रोज़गार क्या है? खेती तो नाम की है, खेती अपने घर के खाने की फसल हो जाए यही बहुत बड़ी बात है, बेचने की तो नहीं होती है। यह गवर्नमेंट से जो फ्री राशन मिलता है वो, और पशुपालन, मुर्गी पाल ली, यही सब होता है। ऐसे में लोगों के पास खाली टाइम बहुत ज़्यादा है। अब जैसे बकरी चल रही है वो बैठे हुए हैं, तो ये तरीका है कि उनको परमिशन दे दी जाए कि आप लेंटाना उखाड़ सकते हो। इवन गांव के हिसाब से जगह एलोकेट कर दी जाए, मान लीजिए ये रोहिणी खाल गांव है, यहाँ पे इधर की लेंटाना और इधर की लेंटाना, उनको एरिया दे दिया जाए कि आप लेंटाना उखाड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, वो लेंटाना लेके आओ, वो जो प्रोसीजर है उनको ट्रेनिंग दी जाए कि उबाल के जो हैंडीक्राफ्ट बना रहे हैं वो बनाए। अब ये जगह राजा जी नेशनल पार्क के एकदम नज़दीक है, यहाँ से राजा जी का जो सफारी गेट है, चिल्ला सफारी गेट, 15 किलोमीटर दूर है, और वो जो सामने आप पहाड़ देख रहे हो वो राजा जी नेशनल पार्क ही है, और उसका कोर एरिया है। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये राजा जी नेशनल पार्क नहीं है, ये सिविल फॉरेस्ट है। सिविल फॉरेस्ट में क्योंकि लोग रहते हैं, उनको परमिशन दे दी जाए, वो लेंटाना उखाड़ के लाए, उबाल के उसी प्रोसीजर से जो भी है घोड़े हाथी जानवरों की जो चीज़ बनाए। और ये राजा जी नेशनल पार्क का प्रशासन, क्योंकि मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, कंपलसरी कर दे कि ये बेचें जो राजा जी के गेट है, रानीपुर, मोहांड, मोतीचूर, चिल्ला, वहाँ पे इनको सबको अलग अलग लोग हैं, उनको एलोकेट कर दिया जाए, वहाँ शॉप्स बन जाएँ या अपना माल बना हुआ दें,
और जब वो माल बिक जाए इनको पैसे मिल जाए। और कंपलसरी ये हो कि हर सफारी जिप्सी के साथ जो भी आदमी आया है, जैसे अभी जो चार्जेस होते हैं सफारी के, चार्जेस हैं फिलहाल आज की डेट में 2200 रुपीज़ की जिप्सी है, 250 रुपीज़ व्हीकल एंट्री फीस है और 150 रुपीज़ पर पर्सन गाड़ी में बैठोगे, चार्जेस हैं। गाइड ले जाना कंपलसरी नहीं है यहाँ पे, चाहो तो ले जाओ, लेकिन कई जगह जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में गाइड भी कंपलसरी है, तो 700-800 रुपये गाइड के लगते हैं। अगर उसी में लगा दिया जाए, जैसे उन्होंने हाथी बनाया 100 रुपये का एक हाथी, एक चीज़ कंपलसरी कर दी जाए कि भाई आप सफारी करने जा रहे हो, एज ए सोवेनियर आपको वो हाथी खरीदना है, तो पैसे 100 रुपये देने में किसी को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो वेस्ट नहीं हो रहे, उनको बदले में सामान मिल रहा है, और सामान नहीं मिल रहा, सोवेनियर है, यादगार है, अपने घर के ड्राइंग रूम में लगाएंगे क्योंकि देखने में भी अच्छा लगता है, सांचे से बनता है, उबाल के बनाया, सांचे से बनाया तो बहुत अच्छा बनता है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, बांधवगढ़ नेशनल पार्क के पास में उमरिया, जहाँ मेरे फादर पोस्टेड थे एज SDM बांधवगढ़, वहाँ से उमरिया से 30 किलोमीटर के आसपास होगा एक जगह चंदिया, वहाँ चीनी मिट्टी के बनाने के बर्तन बनाने के कारखाने थे, लेकिन उन्होंने एक चीज़ डेवलप की थी, सांचे से हाथी बनाते थे। आज भी वो दो हाथी हमारे घर में रखे हैं, लालगंज वाले घर में, उन्होंने पापा को गिफ्ट दिए थे। तो हम लोग फैक्ट्री विजिट करने गए थे, तो जब देखा बर्तन तो पूरे इंडिया में सप्लाई होते हैं, चंदिया के बर्तन बड़े फेमस थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि ये हाथी किस रेट में बिकता है, तो बोले कि हम हाथी बेचने के लिए नहीं बनाते, ये गिफ्ट आइटम है, ये सिर्फ गिफ्ट देने के लिए बनाते हैं, क्योंकि सांचा बना लिया तो बना देते हैं, तो ये गिफ्ट जाता है। तो लेकिन बड़े फेमस थे, कोई भी ऑफिसर वहाँ आता था तो उनकी डिमांड होती थी कि चंदिया का वो हाथी चाहिए उनको अपने ड्राइंग रूम में रखने के लिए। और आप सोचिए कि आज 20-22 साल, 25 साल से हमारे घर में वो दोनों हाथी चीनी मिट्टी के सुरक्षित हैं, गिर जाएंगे टूट जाएंगे, लेकिन टूटने नहीं दिए, उन्होंने गिफ्ट किए थे, आज भी रखे। तो इसी तरीके से जब वो आप लैंटाना का बना हुआ हाथी, अगर आपने राजा जी नेशनल पार्क की सफारी करी और आप अपने ड्राइंग रूम में सजाओगे, तो आप उसको ख़राब नहीं होने दोगे, 100 रुपये बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है, लेकिन वो 100 रुपये कि अगर एक गांव वाले के घर ने के अपने 100 हाथी जमा किए तो उनके 10,000 रुपये हो गए, और 10,000 रुपये अच्छी खासी रकम है। और एक दिन में कितनी सारी गाड़ियां सफारी करती हैं, ये सिर्फ मैंने राजा जी का एग्जांपल दिया, जिम कॉर्बेट से लेके पूरे इंडिया के नेशनल पार्क में आसपास के जंगल में आप जब करोगे तो गांव वाले भी खुश होंगे कि उनको रोज़गार मिल रहा है, सरकार की जो लैंटाना उन्मूलन के लिए जो अरबों रुपये खर्च होने वाले थे वो काम फ्री में हो गया, उनको एक भी रुपये खर्च नहीं करना पड़ा। कंडीशन ये रहे कि जो लैंटाना उखाड़े वो काटेगा नहीं, जड़ के साथ उखाड़ेगा, जड़ के साथ लेके आओ, जड़ अपना जला दो फेंक दो जो भी करना है। तो ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है लैंटाना के उन्मूलन का, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, और जो वाइल्ड लाइफ सफारी करने जा रहा है अगर उसे तकलीफ हो रही है कि हम 100 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो वो मन में सोचे कि वो इंडिया की वाइल्ड लाइफ के लिए काम कर रहा है, तो उसका दिल भी खुश हो जाएगा। अब दोस्तों, लैंटाना की बहुत सारी, करीब 5-6 वैरायटी होती है, उसमें से एक मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो यहाँ मुझे सामने दिख रही है वो ये है, ये देखिए आप, ये लैंटाना कैमरा, इसकी डिफरेंट वैरायटीज होती है, इसमें से एक है ये, आप देखिए छोटे छोटे कांटे हैं इसमें, ये देखिए ये बारीक बारीक कांटे हैं, ये कपड़े भी फाड़ देते हैं और जानवरों को इससे चोट लग जाती है, किसी किसी ब्रीड में और ज़्यादा कांटे होते हैं। और इसमें जो फल आता है वो आता है मानसून के टाइम पे, तो वो पहले ग्रीन कलर का होता है, जब पक जाता है तो पर्पल कलर का हो जाता है, तो ये टाइम है जब इसमें पत्ते कम होते हैं। और आप ये देखोगे तो ये पूरी लैंटाना की झाड़ियाँ हैं ऊपर तक, वहाँ सामने जो आपको जितनी ड्राई ड्राई दिख रही है सब लैंटाना है, ये जो आपको दिख रही है ये भी लैंटाना है, ये सारी लैंटाना है। दोस्तों ये जो लताएं हैं या जो पत्ते आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मालू, और इसको भालू बड़े शौक से खाता है, और ये जो लताएं हैं बड़ी मजबूत होती हैं, टूटती नहीं है। तो जैसे आप ये जगह देख रहे हैं, इसमें भालू अपने घोंसले बनाता है, जैसे ये है ना, ऐसे में लेट जाता है
और इसके पत्तों से पत्तल और दोने बनते हैं उत्तराखंड पहाड़ में। तो जो पहले जब ये डिस्पोजेबल प्लेट्स नहीं थी शादी ब्याह में, इसी के पत्तल बनते थे, दोने बनते थे, उसमें खाना खाया जाता था। इसको गाय भी खा लेती है, लेकिन लोग डरते हैं क्योंकि इसमें भालू बैठना बहुत पसंद करता है। अगर आप देखोगे इसको तो इसके अंदर जाने में लोग डरते हैं अपने जानवर लेके, कहीं पर भी भालू बैठा हो सकता है। देखिए जितनी भी ये जगह देख रहे हैं आप, जैसे ये सब भालू के आराम करने की जगह हैं ये, और जहाँ ऐसी तीन चार लताएं मिलेंगी उसके बीच में जैसे ये आप, ये वाला ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ऐसे में भालू लेट जाएगा, पत्ते वत्ते भी बिछा लेता है और वो आराम से कर आराम से होता है। ये जो आपको स्पेस दिख रहा है ये भालू का घोंसला ही है। तो ये प्लांट बड़ा अच्छा है लेकिन थोड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि भालू और मालू दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। ये देखिए ये जो दिख रहे हैं ये बारीक बारीक कांटे हैं, और उससे जानवरों की स्किन छिल जाती है, इंसानों के कपड़े फट जाते हैं। लेकिन इसी को उबाल लिया जाए तो इससे जिस सांचे में आप ढालोगे उसमें ढल जाएगा। अगर जलाने की लकड़ी के रूप में यूज़ करना है तो भी यूज़ किया जा सकता है, बस शर्त ये है कि इसको जब उखाड़ा जाए तो जड़ से उखाड़ा जाए। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा जंगल लैंटाना का है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा एरिया लैंटाना ने कवर किया है। सारी लैंटाना है, ये देखिए। अब ये आप देखेंगे जितनी ये काटी हुई है ना, ये भी लैंटाना है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में लैंटाना है, वो भी लैंटाना है वहाँ जितना। बीच में जो खेत साफ कर लिए वो छोड़ के पूरे में लैंटाना है। ये दोस्तों जितनी आपको नज़र आ रही है ये सारी लैंटाना है। नज़दीक से आप देखोगे तो ये नीचे तक ये सारी लैंटाना है। ये बड़े पेड़ हैं जो सरवाइव कर जाते हैं, छोटी घास को तो ये सरवाइव करने ही नहीं देती, और वो घास जिसको खा के डियर पनपते हैं। जितनी आपको नज़र आ रही है सारी लैंटाना है। बीच बीच में जो खेत जोते जाते हैं वहाँ से हल से उखाड़ दी जाती है। पूरे में बड़े पेड़ हैं या जो श्रब के नाम पे जितना भी आपको दिख रहा है, ये पीली पीली ये सब लैंटाना है। तो ये देखिए बकरियाँ घूम रही हैं, देखिए ये लैंटाना खा रही है। ये देखिए लैंटाना को दिया मैंने और बड़े आराम से शौक से खा रही है। एक एक पत्ता तोड़ तोड़ के बकरी खा रही है। तो बकरी ही एक ऐसा जानवर है जो इसको खा लेता है। देखिए ये सारी लैंटाना को ही खा रही है। ये बकरी भी देखिए लैंटाना खा रही है। दोस्तों ये राजू हैं जिनकी ये बकरियां हैं, गाय है। तो राजू जो है लैंटाना, इसको क्या बोलते हो तुम? लालटेना। लालटेन बोलते हो? लालटेना या लालटेना लोकल लैंग्वेज में कोरी बोलते हैं। कोरी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कोरी बोलते हैं, कहीं कहीं पे इसको घनेरी बोलते हैं, एक रेत मुनिया या ऐसा कुछ नाम भी है इसका। तो ये जो गाय है ये खाती है इसको? हाँ, गाय भी खा लेती है। खा लेती है। और बकरी भी खा लेती है। तो
जैसा गाय जो खाएगी तो पूरा ये खाएगी तो दूध देती है ठीक से? हाँ दूध सही देती है, देती है। और जो बकरी खाती है तो कोई बीमारी वगैरह होती है? हाँ हो जाती है, कभी कभी हो जाती है, कभी कभी को खुजली हो जाती है। हाँ। और यहाँ पर जो है मुँह का हो जाती है गुम्बर से हो जाती है। अच्छा। हाँ। और कई मतलब लाइटिंग के पीछे कुछ और बीमारी हो जाती है, खुजली खाजली हो जाती है। और तो फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। चेचड़ हो जाते हैं। तो अगर ये लैंटाना मान लो नहीं हो तो ज्यादा फायदा है तुम्हें कि है, हो तो फायदा है? नहीं उसके लिए बढ़िया है, घास के लिए तो बढ़िया है, बकरी के लिए। हाँ। चुगान के लिए सही है, मतलब बकरी के लिए कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें? नहीं, नहीं, कोई दिक्कत। लेकिन अगर यहाँ लैंटाना नहीं होगी तो यहाँ घास होगी? हाँ घास होगी तो वो ज्यादा फायदा होगा ना। तो जब तुम्हारा जन्म हुआ तब से लैंटाना है कि पहले से ही होता है? पहले से, बचपन से तुमने देखी है? और जैसे एक मान लो सरकार स्कीम चलाए कि तुमको परमिशन दे दी जाए कि ये तो खैर तुम्हारी जमीन है, नहीं किसी और की, ये किसी और नीचे तुम्हारी है, ये हमारी इधर। हाँ। ये तो मान लो प्राइवेट जमीन हो गई, जैसे जंगलात है वहां तुमको दे दिया जाए कि जाके तुम लैंटाना उखाड़ लो और लैंटाना से खिलौने बनते हैं ठीक है उबाल के, वो तो सरकार ट्रेनिंग देगी उस हाथी घोड़ा सब सांचे में भर दो वो चीज बन जाती है और गारंटी सरकार देगी हम उसको खरीद बिकवा देंगे, तब कैसा रहे? वो भी सही है सर। उसमें मान लो अगर तुमने 100 खिलौने बनाए और जो चिल्ला गेट है वहाँ अगर ऐसी स्कीम निकाली जाए कि तुम ले जाओ और बस तुमको पैसे मिल जाए, तुमने जितना दिया पैसे लेके घर आ जाओ, तो खाली टाइम में बना सकते हो? हाँ बना भी सकते हैं, खिलौना बना सकते हैं जैसे, अगर वो ट्रेनिंग दी जाए ना, ट्रेनिंग दी जाए। हाँ तो एक रोजगार भी हो जाए, क्योंकि देखो ये तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारी बकरियों को कम नुकसान हो रहा है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा नुकसान है, नुकसान भी हो जाता है। हाँ इससे जो है ना ये जहरीली है, अगर इससे जैसे किसी आदमी का वजन 100 किलो है ना, अगर वो 20 किलो खा लेगा तो मर जाएगा। वो तो है वो। हाँ इसका जो फल भी होता है ना नीला वाला, वो भी आता है, फल भी होता है। हाँ पहले हरा होता है फिर नीला, नीला से बैंगनी हो जाता है, हरा होता है फिर पकता है ना। हाँ तो काला काला हो जाता है। हाँ तो खाया तुमने कभी? खाता, मीठा 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 होता है, मैंने भी खाया है, लेकिन अगर वो ज्यादा खा लोगे ना तो पहले 10 लगते हैं तो फिर आदमी मर जाता है। तो ये पता है कैसे आए थे? कौन लाया था इसको? कोई वो लाया, चिड़िया लाया, कोई चिड़िया तो लाई है, अंग्रेज लाए थे, ये भारत का नहीं है। हाँ ये इंग्लैंड से लेके आए थे, और अमेरिका में तो एक गांव है उसका नाम है लैंटाना, वहाँ तो ये 80-150 रुपए का एक पौधा बिकता है। वो बहुत अच्छा है। हाँ दवाई भी बनती है इसकी, लोग बोलते हैं दवाई बनती है, दवाई के बारे में डाउट है, लोग बोलते हैं कि इससे कई सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, लेकिन मेडिसिनल बात पे तो मैं जा ही नहीं रहा दोस्तों, क्योंकि जिस बात के बारे में कुछ ऑथेंटिक नहीं है उस बारे में दावा करना और भ्रांति फैलाना ठीक नहीं है। मैंने चेक किया, बहुत सारे लोग बोलते हैं इससे दवाई बनती है, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो लैंटाना अभिशाप है जंगल के लिए, इसके चलते जानवर जंगल छोड़ रहे हैं। ये तो बकरी बहुत ही हार्डी एनिमल है इसलिए बकरी से खा लेती है, डियर भी पसंद नहीं करते, मजबूरी में जब उनको कुछ नहीं मिलता तो खाते हैं, मरते भी हैं, और भालू बहुत शौक से खाता है, बर्ड्स इसको पसंद करती हैं जैसा मैंने पहले बताया, क्योंकि बर्ड्स इसमें घोंसला बना लेती है, इसमें कांटे होते हैं, जानवर तोड़ने के लिए घुसते नहीं हैं, और बर्ड्स ही इसको बहुत ज़्यादा फैलाती हैं, भालू भी इसको बहुत ज़्यादा फैलाता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अगर लैंटाना उन्मूलन सरकार चाहती है कि ऐसे गाँव वालों को पार्टिसिपेट कराया जाए, गांव वालों को ही जिम्मेदारी दे दी जाए कि इतने एरिया से आप उखाड़ लाओ, शर्त यह है कि जड़ के साथ उखाड़ना है, उसके खिलौने बनाओ, और वो गारंटी के साथ सरकार जैसा मैंने बताया कि सफारी गेट पे एज ए सोवेनियर दे दे, तो खाली टाइम में जैसे अब ये राजू अपने बकरी चरा रहे हैं, वो जो उबाला उबाल के जो लाए तो खाली टाइम में बकरियों के बीच में बैठ के ही बना सकते हैं, एक पन दो काज वहाँ बकरियाँ चर रही हैं, क्योंकि यहाँ लेपर्ड भी घूमते हैं, इनको साथ में ये दराती लेके क्यों घूमना पड़ता है कि लेपर्ड भी आते हैं, इनकी बछिया लेपर्ड अभी 2-3 महीने पहले मार गया था इनके, इनसे 10-15 फीट की दूरी पर, अभी एक बैल को पकड़ा 1-2 दिन पहले, अभी कल परसों भी लोग चिल्ला रहे थे। हाँ यही जंगल में लेपर्ड बैठा हुआ है। तो अब जानवरों के पास में इनका रहना जरूरी है, तो ये रहते हुए भी खिलौने बना सकते हैं, और ये इस तरीके से कर दिया जाए तो शायद दोस्तों लैंटाना का उन्मूलन हो जाए भारत से, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि 40% जंगल को लैंटाना ने कैप्चर किया है,
तो ये आइडिया आप लोग को कैसा लगा आप बताना, और अगर आपके और कमेंट्स हों तो आप बताना। एक छोटा सा मेरा, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया कि लेंटाना बहुत बड़ी समस्या बन गया है, तो एक आइडिया मेरे दिमाग में आया था उन्मूलन का, तो मैंने सोचा वीडियो बना के शेयर करूं। ये जो बोल रहा है ये लकी का भाई है। क्या है? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।